थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन किस्मत का मारा नहीं, बस लड़खड़ा के गिरा हूँ, अभी मैं हारा नहीं। आज से पहले आपने बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हर बार आप यही सोचते हैं कि इस वीडियो के बाद तो मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए चार्ज हो जाते हो, लेकिन ये मोटिवेशन एक दो घंटे के बाद तो जैसे गायब ही हो जाता है। आप फिर से इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखने लग जाते हो, फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करके पछतावा करते हो कि यार आज फिर कल ही की तरह निकल गया। लेकिन अगर आज आपने मुझे अपने सिर्फ 5 मिनट दे दिए, सिर्फ 5 मिनट, तो इस वीडियो के अंत तक लाते लाते मैं आपको एक नया इंसान बना दूंगा। यकीन मानिए, एक भी बात कहीं सुनी हुई नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कीप एनवायरनमेंट अराउंड अस क्लीन। अब्राहम मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में 3 अलग कमरे डिजाइन करवाए। पहले कमरे को ब्यूटीफुल नाम दिया गया। इस कमरे में बहुत अच्छी खिड़कियां थी, लाइटनिंग थी, आर्ट पेंटिंग थी, अच्छी कंफर्टेबल कुर्सियां और कारपेट था। दूसरे कमरे को एवरेज नाम दिया गया। यह साफ तो था, लेकिन इसका डिजाइन एक ऑफिस रूम जैसा था, यानी बिल्कुल डल। तीसरे कमरे का नाम अगली रखा गया। यहाँ की दीवारें काफी गंदी थी, दीवार का कलर भी एक डल सा ग्रे था। इस कमरे में चीजें समेटी नहीं, बल्कि सब कुछ बिखरा हुआ था। एस्ट्रे पड़ी हुई थी और झाड़ू वगैरह सब कुछ वहीं पर ही दिख रहा था। फिर कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ लाया गया और उन स्टूडेंट्स को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया गया और हर एक ग्रुप को एक एक कमरे में डाल दिया गया। फिर उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई गई और उन्हें कहा गया कि उन्हें इन फोटोग्राफ्स को एनर्जी और वाइब्रेंट के मोड पर रेट करना है। शायद हमें लगेगा कि इन तीनों ग्रुप की रेटिंग मोर और लेस सेम ही होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इनकी रेटिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जिन लोगों ने अगली और एवरेज रूम में बैठकर रेटिंग दी थी, उनकी रेटिंग्स उन्हीं फोटोग्राफ्स को देखकर काफी कम थी, जबकि जो स्टूडेंट्स ब्यूटीफुल रूम में बैठे थे, उनकी रेटिंग उसी चीज को लेकर काफी अच्छी थी। यहाँ तक कि उनके एग्जामिनर्स पर भी ये असर देखा गया था। जो एग्जामिनर्स अगली और एवरेज रूम में बैठे थे, वो भी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे, बहुत ही थके हुए और गुस्से में थे। इस स्टडी का कंफ्यूजन ये है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे माइंड पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ता है। इसी की वजह से हमारा मूड चेंज होता है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा कमरा है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो हमारा मन भी वहाँ पर बहुत ज्यादा लगेगा और हम इंस्पिरेशन गेन कर पाएंगे। यहाँ पर हम अपना काम ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने काम को बेटर तरीके से करना चाहते हो, तो अपने घर में एक कमरा ऐसा होना चाहिए जो बहुत ब्यूटीफुल और क्लीन हो, जहाँ पर आपका मन अच्छे से लग पाए। एक बात हमेशा याद रखना, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, हर सफर में हम सफर नहीं होते। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर कैरल ड्वेक कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरे वो जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पता लगाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने 2 स्टूडेंट के ग्रुप को एक टास्क दिया, और टास्क खत्म होने के बाद एक ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, गॉड गिफ्टेड हो, तुम लोग पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे, यानी कि उनकी कैपेबिलिटीज फिक्स थी। वहीं दूसरे ग्रुप के बच्चों को कहा गया कि तुमने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि तुम लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है और तुम अपने लिमिट्स को पुश करना जानते हो। अब ये बोलने के बाद उन दोनों ग्रुप्स को एक और टास्क दिया गया, जो पहले वाले से काफी टफ था, पर इसके रिजल्ट बहुत शॉकिंग थे। जिस ग्रुप को कहा गया था कि उनके रिजल्ट उनके टैलेंट की वजह से आए हैं, उन लोगों ने एक फिक्स माइंडसेट डेवलप कर लिया, जिससे वो चेंज नहीं कर सकते थे। उन्हें जो चीजें टफ लगी, उन्हें छोड़ दिया, और इसीलिए वो इस टास्क को अच्छे से नहीं कर पाए। और जिन स्टूडेंट्स को कहा गया था कि उनके रिजल्ट उनकी मेहनत की वजह से आए हैं, उनका एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो गया था। उन्होंने अपनी मेहनत से उस टास्क में भी काफी अच्छे रिजल्ट लाए, और दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में भी यही ग्रोथ माइंडसेट देखा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि राजा बनने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है।
अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगा, अगर आप समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, आप जीनियस नहीं हो, तो ये स्किल्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो यकीन मानिए आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। नंबर वन, टाइम पंक्चुअल। किसी भी काम को टाइम पे करना, अपने करियर के लिए हमेशा अवेलेबल रहना, जिस तरह दो प्यार करने वाले हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं, अगर आप अपनी कामयाबी के लिए हमेशा अवेलेबल रह गए तो यकीन मानिए ये कामयाबी कभी बेवफा नहीं निकलेगी। नंबर टू, कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। एक इंसान जो किसी काम को लगातार बिना रुके कंसिस्टेंटली करता है, ये एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपके सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे उसका IQ तेज हो या फिर वो टैलेंटेड हो। अगर ये स्किल आपके पास है तो आप हमेशा फर्स्ट ही आओगे। नंबर थ्री, डूइंग एक्स्ट्रा। जो लोग एक्स्ट्रा करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा मिलता भी है। आप देखना विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये लोग एक्स्ट्रा करते हैं, ये लोग हद से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तभी ये अपनी फील्ड के मास्टर हैं। एक बात याद रखना कि कुदरत भी उसी पर मेहरबान होती है जो हद पार मेहनत करता है, एक्स्ट्रा करता है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो कमेंट किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद मिस्टर यासीन। विश यू ऑल द बेस्ट।